पर मेनली घड़ियाल और टर्टल्स को कंजर्व किया जाता है। हम लोग वाइल्ड से घड़ियाल के एग कलेक्ट करके चंबल नदी से लाते हैं और यहाँ पर ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम के अंतर्गत उनको हैच कराते हैं। हैच कराने के बाद में उनको पालते हैं और 1.2 मीटर साइज होने के बाद में उनको चंबल नदी और स्टेट की दूसरी नदियों में छोड़ देते हैं। घड़ियाल एक्चुअली क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसकी लुप्त तो होती हुई प्रजाति को बचाने के लिए सबसे मेन उद्देश्य वो है कि इसको हम इस प्रजाति को बचा रहे हैं कि पूरे दुनिया में सिर्फ चंबल एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ पर घड़ियाल की 80% पॉपुलेशन यहाँ मिलती है। नाइनटीन नाइन्टी सेवन के आसपास इसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई थी, मात्र 1242 के अलावा 552 घड़ियाल रह गए थे। देन इसको ये सेंटर भी बंद हो गया था और चंबल में जो सर्वे प्रोग्राम था वो भी बंद था, तो ये 5-6 साल का जो गैप था उसके बाद में 2003 में इसका सर्वे किया गया तो 552 घड़ियाल थे। इस सेंटर को 2003 में रिवाइव किया गया, सेंटर चालू हुआ, सर्वे की कंटिन्यूटी रही। तो इस वर्ष जो है 2003 के बाद में अभी 2016 है, तब तक घड़ियाल की पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है चंबल में। अभी हमने फरवरी 16 के सर्वे के अनुसार 1162 घड़ियाल हैं इसमें। घड़ियाल जो है होल नेस्टर और एनुअली एक साल में एक बार अंडे देता है। मार्च एंड और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसके अंडे वाइल्ड में मिलते हैं नदी के किनारे। उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करने के बाद में यहाँ उठा के ले आते हैं। 200 वाइल्ड में लगभग जो है पिछले साल भी हमें 117 नेस्ट मिले, इस साल इससे ज़्यादा मिलने की संभावना, मिल चुके हैं कुछ नेस्ट। हैचिंग के टाइम पर कम्प्लीट डेटा आ जाएगा। जो भी 200 अंडे यहाँ लाते हैं उनका सक्सेस रेट अबव 60% है। वाइल्ड में जो 2800 अंडे बच जाते हैं उनका सर्वाइवल रेट 1 और 2% है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सेंटर है जिसमें हम लोग ये ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरा हमें अभी सोन के लिए भी ज़रूरत है, सोन घड़ियाल सेंचुरी के लिए, केन के लिए भी है। दूसरे अभी पंजाब में भी हमें 50 जानवर भेजने हैं, तो ये सेंटर पे एक स्टॉक है हमारे पास, तो वो कभी भी किसी भी समय किसी भी नदी में संरक्षित क्षेत्र में छोड़ने के लिए जरूरी है।